हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो हम जानेंगे पेन ईयर बाई के ऊपर एलआईसी पेमेंट के बारे में। एलआईसी पेमेंट किस प्रकार करनी है, क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है, हम कब एलआईसी पेमेंट कर सकते हैं कस्टमर का एंड हमें उस पर कितना प्रॉफिट मिलेगा, क्या क्या चीज सावधानी बरतनी है एलआईसी पेमेंट का और रिसिप्ट कैसा यहाँ पे निकलेगा। तो अगर आप पेन ईयर बाई का इस्तेमाल करते हो जरूर आपको ये वाली ऑप्शन को यूज करनी चाहिए एलआईसी पेमेंट की। इससे आपको कैश मैनेजमेंट साथ साथ आपके कस्टमर के लिए सुविधा भी होता है, उसे ऑफिस जाना वगैरह दूर पड़ता है, आप अपने ही शॉप पे ये भी सर्विस देकर अच्छी खासी रेवेन्यू या इनकम कर सकते हैं। तो जानते हैं क्या क्या प्रोसेस, कैसे कैसे क्या क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल स्किप के एंड तक बने रहिएगा। तो सिंपली सबसे पहले आपको अपने पेन ईयर ऐप को ओपन कर लेनी है। स्क्रॉल डाउन कर नीचे आएंगे तो यूटिलिटी ईएमआई एंटरटेनमेंट के अंदर आपको सबसे नीचे एलआईसी पेमेंट का ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक कर आ जानी है। यहाँ आने के बाद एक मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर क्लियर कर दूं कि आप यहां पे कस्टमर का नंबर डालें, कोई जरूरी नहीं कि उनका रजिस्टर नंबर हो, कोई भी नंबर यहां पे डालकर आप दे सकते हो। उसके बाद आपको यहां पे कस्टमर पॉलिसी नंबर सही डालना है। जैसे ही आप पॉलिसी नंबर डालेंगे टॉप पे कस्टमर का नाम, फर्स्ट नेम का कुछ वर्ड, एक से दो वर्ड, उसके बाद जो नाम है वो स्टार मार्क में आपको दिखेगा, आपको इन दो नाम से मैच कर लेनी है, उनकी प्रीमियम अमाउंट कितनी है उससे मैच कर लेना, इनके ड्यू डेट, इन तीन चीज से आप मिला सकते हो उसी कस्टमर का है या किसी और का है। अब जब ये सब कुछ सही कर लोगे उसके यहाँ पे पे नाउ ऑप्शन आएगा, आपको जो भी उनके एलआईसी के प्रीमियम है अगर ड्यू डेट से पहले है तो उतने ही अमाउंट ले, ड्यू डेट के बाद टोटल चार्ज इंक्लूड कर जोड़ के लिया जाएगा, तो आप अपने हिसाब देखकर वहां से आपको पेमेंट कर ले। जो पेमेंट आपका मेन वॉलेट से कटेगा जिसमें आपको लोड कर रखनी है, पेमेंट जैसे ही करोगे आपका यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस लिया जाएगा एंड यहाँ पे आपको पेमेंट एक येलो मार्क लगा पेंडिंग टाइप का चला जाएगा। नीचे आपको प्रिंट रिसीप्ट देखने मिलेगा लेकिन उसमें अगर क्लिक करो तो कोई प्रिंट रिसीप्ट होता नहीं है, छोटा सा कुछ लिखा हुआ निकल जाता है, ये बेकार है। सिंपली आपको फिर क्या करना, गो होम पे क्लिक करनी, होम के अंदर चले जाना है, उसके बाद आपको रिपोर्ट सेक्शन के अंदर आनी है। रिपोर्ट के अंदर आने का आपको सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन कर आना है और एलआईसी के अंदर आ जानी है। वहां आने के बाद आप देखोगे तो उनका पेंडिंग दिखेगा इंस्टेंट देखने पर, अमाउंट एंड उसके जो पॉलिसी नंबर वो देखने मिलेंगे। आप एक से दो मिनट वेट करोगे, कुछ देर ये जो पेंडिंग था ये सक्सेस हो जाएगा। ये जो सक्सेस स्लिप है इसे निकाल कर आप कस्टमर को दे सकते हैं प्रिंट आउट वगैरह कर, लेकिन कस्टमर जो खोजते वो बड़ा स्लिप ढूंढते हैं कि हमें एक बड़ा सा स्लिप मिल जाए एलआईसी पेमेंट करने के लिए। बड़ा स्लिप में उसको देखना रखना केयर करना आसान होता है, छोटे स्लिप में मिट जाता है या फिर आपको प्रॉपर डिटेल इसमें नहीं देखने को मिलता है। ये तो बात हो गई हमारी पेमेंट की, हमने पेमेंट कर दिया, अब हमें इस पे कमीशन क्या मिलेगा। तो अगर आप एलआईसी पेमेंट अपने शॉप पे करते हैं तो आपको पर प्रीमियम पेमेंट 0.12% यानी अगर 10,000 के लिए प्रीमियम डाले 10 रुपए कमीशन मिलेगा। इससे अगर गुजारा होता है तो ठीक है, नहीं तो आप प्रिंटिंग वगैरह करके कस्टमर देते तो कस्टमर एक्स्ट्रा चार्ज ले सकते हैं, मर्जी आपकी। जो मैंने 3299 यहाँ पे पेमेंट किया जिसमें मुझे 6.60 रुपए मिले थे, बाकी टीडीएस 33 रुपए काट लिया यानी कि 7 रुपए के आसपास मुझे मिले। अब कस्टमर आपसे बड़ा सा प्रिंट स्लिप मांगे कि मुझे एलआईसी की बड़ी वाली स्लिप चाहिए जिसमें मैं उसे कैरी करके रख सकूं, A4 साइज के आसपास चाहिए। अब उस प्रकार स्लिप कैसे निकालेंगे, कहां से कस्टमर को देंगे ताकि वो भी खुशी खुशी देख ले हमारा पेमेंट हो गया और उसके बाद एक प्रूफ के तौर पे रह जाए कि हाँ वो डिटेल हमने पेमेंट करवाया और स्लिप हमारे पास है। अब वो स्लिप कहां से मिलेगा, इसके लिए आप सामने वाली वीडियो चेकआउट कर सकते, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वीडियो आ गई तो मैं दे दूंगा, उसे आप देख सकते। जहां पे आप एलआईसी का पेमेंट कहीं से भी पेमेंट करो आप उसकी रिसिप्ट जो होती है बड़े साइज की निकाल सकते हैं और आप फ्यूचर के लिए उसे एज ए पीडीएफ या फिर आप प्रिंट आउट कर सेव रख सकते हैं। बाकी पेन ईयर का ये ऑप्शन एलआईसी पेमेंट कैसा लगा नीचे आप अपने कमेंट करके दे सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हेल्पफुल रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।